ये क्या मजाक है? पागल हो गई हो? तुम यहां वापस क्यों आई हो? चलो निकलो यहां से। क्यों ना? मेरा नाचना पसंद नहीं आया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी जिन कठपुतलियों को मेरे इशारे पर नाचना हो वो मेरा नाच देखकर कैसे खुश होंगे भला? पर मैंने फिर भी सोचा कि वापस आने पर खुश तो जश्न होना चाहिए। क्यों बोल बोल की बोल छे? अरे इतना हैरान परेशान क्यों दिख रहे हो मेरे वापस आने पर? अच्छा सच बताओ, तुम सबको कसम है, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम सबका पीछा छोड़ दूंगी? अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे एक सिक्का उछालने पर शर्त हार कर मैं इस घर से चली जाऊंगी? मैं घर से चली तो गई थी लेकिन वापस आने के लिए विदिशा बंद करो ये तमाशा। तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा मन करेगा तुम मुंह उठा के चली आओगी? चलो निकलो यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। एक मिनट, हम इस लड़की के झूठ को झूठलाने में ऐसे उलझ गए हैं कि हम सच के बारे में सोच ही नहीं रहे। जिस तरह से इस लड़की ने हमारे खिलाफ झूठ इकट्ठा किया है उसी तरह से हमें उसके बारे में सच इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम कोर्ट में दिखा सके और कोर्ट को बता सके कि हम दोषी नहीं, हम पीड़ित हैं। वी आर द विक्टिम्स। पर जीजी ये होगा कैसे? इतना परेशान कर लिया इस लड़की ने कि हम कुछ नहीं कर सकते। मामा मेरे पास एक सुराग है। दरअसल जब मैंने और अंजलि ने मिलकर कुछ छानबीन की तब उसमें हमारे हाथ एक बिल लगा था। उस बिल के बारे में और जांच करने के लिए हम अस्पताल गए। वहां पे हमें पता चला कि वो किसी भास्कर घोष के नाम पर था।